जिला राजस्व अबकारी एवं कराधान विभाग जसूर में वाइन कॉन्ट्रैक्टर्स ने जमकर हल्ला बोला और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इन कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि विभाग उनके साथ धक्काशाही कर रहा है और कुछ चहेतों को लाभ पहुंचाने के मकसद से पर्ची द्वारा निकाली गई बोलियों पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार पर्ची के जरिए शराब की यूनिटों की नीलामी की गई थी, जो उपायुक्त कांगड़ा और अन्य विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। इसमें कई लोगों को रोजगार के अवसर मिले, लेकिन यह प्रक्रिया उन लोगों को हजम नहीं हुई जिनका इस क्षेत्र में एकाधिकार था। राजस्व जिला नूरपुर के वाइन कॉन्ट्रैक्टर्स के अध्यक्ष जगदेव ठाकुर ने विभाग पर आरोप लगाया है कि विभाग कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के इरादे से इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रही है, जिससे उनका काम रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि आज 15 दिन ठेकों की नीलामी को हो गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिल रही है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। उन्होंने कहा कि विभाग उन पर तरह तरह की शर्तें लगा रहा है, जिसमें उनके लाखों रुपए खर्च हो गए हैं और इतने पैसे खर्च होने के बाद भी अभी तक ये तय नहीं हुआ कि उन्हें ठेके मिलेंगे या नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वो खुद इस विभाग पर नजर रखें। इसमें हमारा एक जो लोग हैं उनका एक हमारा काम निकला हुआ 30-35 करोड़ का, अलग अलग लोगों का अलग अलग नाम से, वो सारे लोग आए थे। पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि हम यहाँ 30 तक हमें रोज बुला, 15 तारीख से हमें रोज बुलाया जा रहा है और हमें विभाग की तरफ से कोई भी डायरेक्शन नहीं दी जा रही है। जैसे मसल पिछले साल धक्का हुआ था, कहीं हमें लगता कि इस साल भी मसल धक्का ना हो जाए, क्योंकि आज तक हमारे काम की कन्फर्मेशन नहीं आई है। आज 15 दिन हमारे काम को निकले हो गए हैं, ना हमें ठेके शिफ्ट करने के ऑर्डर आ रहे हैं, ना आगे हमें जो 5% जमा करवाए थे पैसे वो तो विभाग ने ले लिए, आगे जो हमने पैसे जमा कराने थे शराब खाने के लिए वो भी हमसे नहीं लिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि रुक जाओ। तो हमारे समझ में ये नहीं आता कि जैसे डीसी साहब आते हैं, डीटीसी साहब आते हैं, जहां पर एक चैनल के थ्रू हमें प्रॉपर ठेके दिए जाते हैं, उसके बावजूद हमें शिमला बुलाया जा रहा है बार बार। पहले ऊना वालों को जहां बुलाया, चंबा वालों को जहां बुलाया, हमें दौड़ा दौड़ा के मार देते हैं और बाद में धक्का करके ठेके कुछ और लोगों को दे देते हैं, क्योंकि इस बार ठेके की प्रक्रिया थी वो पर्ची के द्वारा थी, जिससे कुछ लोगों की मोनोपोली टूटी है और वो इस बात को सह नहीं पा रही हैं। तो मेरी प्रदेश सरकार से ये मांग है कि माननीय श्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से कि वो एक्साइज की जो पॉलिसी को देख रेख करे हैं, जो उसे इस विषय में बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। विभाग को जब आते हैं, विभाग भी हमारे ईटीसी साहब हैं, ये भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जब तक इनको ऊपर से कन्फर्मेशन नहीं आएगी विभाग से, तो ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और विभाग के जो कर्मचारी हैं वो खुद भी परेशान हैं, क्योंकि इनको रोज कोई नया नया फरमान आ जाता है। पहले पर्चियां पढ़नी थी तो फरमान आया कि आपको सिर्फ 2 ठेके मिल सकते हैं, फिर बाद में आया कि आप 4 ठेके मिल सकते हैं, फिर आया कि आप जो आप एल्बर खोलना है, एल्तेरा खोलना है, वो 6,000 स्क्वेयर फीट चाहिए, फिर बोला जी 2,000 स्क्वेयर फीट चाहिए। हमारे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी अभी हमें ये पता नहीं कि हमें ठेके मिलने हैं कि नहीं मिलने हैं। इससे बड़ा धक्काशाही और क्या हो सकती है। जिस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने सबसे पहले आते ही L1D बंद किए और ठेकेदारों को ये भरोसा दिलाया कि जो पिछली बार जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो बीजेपी की चार्जशीट में भी है, जो गवर्नर के आगे चार्जशीट पेश की हुई, उसमें भी ये जयराम सरकार ने दिया हुआ है, उस पर कार्रवाई करने की तो छोड़ो, ये खुद ही इस रास्ते में चल पड़े हैं। वहीं इस संबंध में जिला राजस्व एवं कराधान विभाग अधिकारी विवेक महाजन का कहना है कि शराब ठेकेदारों का प्रतिनिधि मंडल अपनी शिकायतों को लेकर उनसे मिला और उनकी भावनाओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि विभाग जो भी उपयुक्त प्रक्रिया के तहत इनके साथ न्याय होगा। कुछ इनकी अपनी समस्याएं हैं, तो अभी आवंटित हुई है कुछ इनको यूनिट्स, तो उसके बारे में कुछ इनकी शंकाएं हैं, तो उसके बारे में मैं अभी ही इनसे ज्ञापन जो हमने ले लिया है और इसको मैं अभी उच्च अधिकारियों को भेज रहा हूं, ताकि उनको इनकी भावनाओं से अवगत करा सके। अभी तक जो इनका ये है कि नेगोशिएशन के लिए कल बुलाए गए हैं 2 जो हमारे अनसोल्ड यूनिट्स हैं उनके लिए वहां पे शिमला में, और प्रक्रिया जारी है। जैसे ही ऊपर से कोई आएगी तो उसके बारे में मैं इनको सूचित कर दूंगा। जहां तक रोष का सवाल है, इन्होंने मेरे को एक ज्ञापन दिया हुआ है जिसको मैं अभी इसी समय अपने उच्च अधिकारियों को भेज रहा हूं, ताकि वो इनकी जो भावनाएं हैं उनके बारे में उनको अवगत हो जाए, और मैं इनको पूरा आश्वासन देता हूं विभाग की तरफ से कि ऐसा कुछ भी विभाग जो है इनके प्रति नहीं रखता है, और सरकारी विकसों को ध्यान में रखते हुए ही जो भी डिसीजन है वो पॉलिसी के अनुसार ही लिया जाएगा। ले जाएंगे तो फिर टोल का सिस्टम खराब हो जाएगा, अगर इन्होंने लेने हो तो कैसे लेंगे फिर?
यहाँ पर ये अपनी बीड्स जो है वो डाल सकती हैं, किसी और को भी अपने नाम के साथ ऑथोराइज कर सकती हैं ताकि वो उस टोल प्रक्रिया में हिस्सा ले सके। ठीक है।